सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो आई वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल सा चैनल डायनेमो फिजिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर 4 एंड दैट इज कॉल्ड द मोशन इन ए प्लेन। उस चैप्टर का क्या नाम है? मोशन इन ए प्लेन। और उस चैप्टर को और किस नाम से जाना जाता है? वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, या वेक्टर के नाम से लोग पढ़ाते भी हैं। So, अब देखिए, अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, जिसे वेक्टर है। अब वेक्टर में क्या जरूरत होती है? वेक्टर में हमें जरूरत होती है डायरेक्शन की। सो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कैसे किसी भी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, इसमें हम क्या सीखेंगे, उसके बाद कुछ उस पर हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे, और फिर उसके आगे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ अ वेक्टर कैन बी, हाउ अ वेक्टर क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड। कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटीज का फॉर्मेशन होता है, या कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी हो ही जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बात जानना जरूरी है कि वेक्टर के लिए, फॉर अ वेक्टर वी नीड टू रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन। हमें वेक्टर के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन सीखना होगा। सो डायरेक्शन क्या होता है? आप लोगों को पता है कि मुख्य रूप से चार दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन जो हमें पता होता है। और वो 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? तो वो 4 डायरेक्शन आप लोगों को पता भी होगा और कई सारे बच्चे जान भी रहे होंगे। तो वो 4 डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ, साउथ, उसके बाद हम ईस्ट, और इसको क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। अब देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसकी हिंदी जान लीजिए। नॉर्थ को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तर दिशा कहा जाता है। कौन सा डायरेक्शन कहा जाता है? उत्तर दिशा। और साउथ को क्या कहा जाता है? दक्षिण दिशा कहा जाता है। और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट को पूरब कहा जाता है, और वेस्ट को क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। So, ये सिंपल डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल है या कोई बॉय है, तो कोई वो जरूरी नहीं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही चले। कोई ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो ईस्ट या साउथ या वेस्ट में चले। हो सकता हो वो जो ओरिजिन पे लड़का होगा या लड़की होगी, वो हो सकता हो कुछ इस डायरेक्शन में चल जाए, नॉर्थ ईस्ट में चली जाए, या हो सकता हो इस डायरेक्शन में चली जाए, या हो सकता हो इस डायरेक्शन में चला जाए कोई, या हो सकता हो कोई इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। सो अब हम कैसे बताएंगे कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सो तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका डायरेक्शन आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका डायरेक्शन आप लोग बता देंगे, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। हो सकता हो कुछ लोग इसका भी अनुमान लगा ले, साउथ ईस्ट में हो जाएगा, और इसका भी अनुमान लगा ले, ये नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर तो ठीक है, वेक्टर हो गया, हमने डायरेक्शन भी बता दिया, तो हमने भाई इसका
इस लड़के का हमने क्या किया वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है कि साउथ ईस्ट में जा रहा है कि साउथ वेस्ट में कि नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए इस ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री, और ये जो रिजल्टेंट यहां पर बना है उसके जो थीटा उसका क्या बना है 45 डिग्री, मान लीजिए एकदम बीच से जा रहा है। जब कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी मैन हो वो अगर एकदम नॉर्थ ईस्ट के बीच से जा रहा है और उसका एंगल आपको पता है कि वो 45 डिग्री पे जा रहा है, कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे जो डायरेक्शन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे। इस ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर एंगल पे जो डायरेक्शन होगा उस पार्टिकल का उस मैन का वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को, और समझ में नहीं आया है तो फिर से आप लोग सुन देखिए क्या हमने बताया कि मान लीजिए सबसे पहले हमने बताया चार दिशाएं होती है, कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद हमने बताया यहां पर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल हो सकता है इधर मूव करे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तब आप लोगों को यह अनुमान लगाना है कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अब हमने एक टर्म जोड़ दिया थीटा, क्यों, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है थीटा इज कंपल्सरी, वहां पर वेक्टर वेक्टर ऑफ एडिशन में क्या होता है थीटा कंपलसरी होता है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा वेक्टर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और हमने बताया है वेक्टर एडिशन पहले लेक्चर में अपने हमने बताया है कि कैसे कोई वेक्टर थीटा पर डिपेंड करता है, और बाकी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब थीटा जब 45 डिग्री होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, हम डायरेक्ट कह देंगे कि एट द पर्टिकुलर एंगल ऑफ 45 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल शुड बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हर बार ये थीटा 45 नहीं रहेगा, हर बार थीटा ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो मान लीजिए अब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, या थीटा मान लीजिए 60 डिग्री हो जा रहा है, तब डायरेक्शन क्या होगा उस पार्टिकल का या उस मैन का। तो यहां पर देखिए हम फिर से बना लेते हैं और फिर से बताते हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, ये हो जाएगा वेस्ट। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, हमने यहां पर बना दिया थीटा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये किसके साथ थीटा, मान लीजिए हमने कहा इसके साथ ये 30 डिग्री बनाया, अब आप इसका क्या नाम देंगे, हमने बताया कि 45 डिग्री के लिए आप लोग लर्न कर लीजिए कि जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हमेशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट ही होता है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए समझिएगा, तो यहां पर देखिए ये एंगल किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ ये एंगल बना रहा है, तो ईस्ट से किधर, मान लीजिए यहां पर ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल यहां से धीरे 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 किधर की तरफ मूव कर रहा है, ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर धीरे 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 नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो किधर से मूव कर रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो एट 30 डिग्री, अब देखिए 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा डायरेक्शन, एट 30 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब किधर से किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो सबसे पहले किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम लिखेंगे। इसको एक बार आप लोग फिर से समझिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। फिर से देखिए, क्या हमने बताया कि मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल है और यहां पर हमने बता दिया वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है, 30 डिग्री पे, यहां पर हमने फिगर बना दिया, और ये फिगर में एंगल किसके साथ बना रहा है, ईस्ट
के साथ बना रहा है। तो ये पार्टिकल धीरे 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 नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो किधर से मूव किया? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो बाद वाला डायरेक्शन है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है उसको बाद में लिखा जाता है। तो क्या लिखा गया? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से। ऐसे आप लोग इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसको? आप लोग लिख सकते हैं ईस्ट से, इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव किया। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव किया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिख सकते हैं? जब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। अब फिर से देखिए, एक आध और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहां पर हम मान लीजिए फिर से ये मान लीजिए 30 डिग्री वाला हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आ गया पार्टिकल और उसका मन कर रहा है कि हम साउथ और वेस्ट में चले। ठीक, साउथ और वेस्ट में चला। अब मान लीजिए ये किसके साथ बना रहा है एंगल? ये बना रहा है साउथ के साथ 30 डिग्री। अब आप लोग क्या मान लेंगे? तो जरा जल्दी से बताइए, इस वेक्टर बी का नाम क्या हो जाएगा या इस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा? तो देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा। सो हम बता देते हैं, देखिए डायरेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा कि ये किसके तरफ से, मान लीजिए यहां पर सेम जगह पर वो पार्टिकल है ओरिजिन पे, और फिर वो किस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए पहले नॉर्थ में था, धीरे 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 वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो किसके तरफ से चला? साउथ से वेस्ट की तरफ चला। तो हमने बताया है जिस डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसको पहले लिखेंगे, और जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे 30 डिग्री, और डायरेक्शन ऑफ बी एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लिख लीजिए इसको वेस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। सो देखिए यहां पर क्या हमने लिखा, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो जिसके तरफ जा रहा है उसको सबसे पहले, और जिससे जा रहा है उसको हमने बाद में लिखा। सो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब देखिए, अब हम कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, और डायरेक्शन से थोड़ा, अब डायरेक्शन अगर आप लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो किसी भी वेक्टर को आप बहुत आसानी से, किसी भी वेक्टर का आसानी से आप लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। सो मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमने कहा कि यहां पर कोई पार्टिकल था और वो पार्टिकल मूव कर गया इधर की तरफ, मतलब साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन में। अब उसका एंगल इसके साथ कितना बन रहा है? 37 डिग्री। अब इस पार्टिकल का, इसका वेक्टर लेंथ हमने दे दिया 5 मीटर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए? सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एट 37 डिग्री, लिख लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखिए किधर से चला, ईस्ट से किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो क्या लिख देंगे? साउथ ऑफ ईस्ट लिख देंगे। अब इसके बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि किस वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात। अगर ये आप लोग सीख लिए हैं तो आज हम फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।
सो यहां पर अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया जाएगा, ऑन रोटेटिंग 2π, ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री, ऑन रोटेटिंग 2π और 360 डिग्री, ऑन रोटेटिंग 2π और 360 डिग्री। अगर हम किसी भी वेक्टर को रोटेट और रोटेटिंग वेक्टर ऑन रोटेटिंग वेक्टर 2π और 360 डिग्री, जब भी हम किसी वेक्टर को 2π या 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो इट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर ना ही अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल था और ऐसे सर्कल से मूव करते हुए कहां पर चला गया, फिर इसी पॉइंट तक चला गया, तो इस पार्टिकल ने का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ। ये पार्टिकल जहां था वहीं पर चला गया, तो इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड 0 था, फिर से 0 हो गया, और डायरेक्शन क्या था, कुछ भी नहीं था, और यहां पर भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, और यहां पर एक बात और यहां पर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर में पाई को हम कैसे डिनोट करेंगे, 180 डिग्री से ही डिनोट करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ए वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप लोग पैरेलल शिफ्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, अब इस एक्सिस में एक हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां भी आ सकते हैं, इसको यहां भी लिख सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग में अब क्या क्या चीजें होती हैं, तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो ना ही उसका मैग्नीट्यूड और ना ही उसका डायरेक्शन, ये दोनों चीजें चेंज नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी वेक्टर में, अब देखिए पैरेलल शिफ्टिंग का फायदा क्या हो जाएगा, तो पैरेलल शिफ्टिंग का फायदा ये होगा, मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर बना हुआ है और उसका एक्सिस यहां पर है और वेक्टर वो यहां पर बना दिया गया है और दिया गया, अब देखिए ये वेक्टर जब यहां पर बनेगा और कहा गया ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, तो इसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर ला सकते हैं और उसका एंगल क्या दे सकते हैं, 30 डिग्री, यही सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन के साथ। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब इसी में तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल, अब देखिए तीसरा पॉइंट उसी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर में तीसरा पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट हमने ये बताया कि कोई भी दो वेक्टर, कोई भी किसी भी वेक्टर को अगर हम 2π या 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो उस वेक्टर का ना ही मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, बस उसके लिए एक कंडीशन हो चाहिए, ना ही हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उसका मैग्नीट्यूड ना और ना ही हम उसका लेंथ चेंज कर सकते हैं। और तीसरा बात हम बताने जा रहे हैं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 to 180 degree, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर
द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर लाइज जीरो टू 180 डिग्री, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां तक लगेगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच तक, 180 डिग्री तक, और ये इट इज फिक्स, ये हमेशा यही लिया जाएगा। इट इज फिक्स का मतलब अब ना ही कोई एंगल 0 डिग्री से छोटा होगा और ना ही कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें समझिए, हाउ कैसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल तय करेंगे कि हाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टेल टू टेल देन वी कैन, व्हेन टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर ज्वाइन किए जाएंगे टेल टू टेल, देन वी कैन टेक द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, क्या हो जाएगा, व्हेन टू वेक्टर आर ज्वाइन टेल टू टेल, जब हम दो वेक्टर को ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल, देन वी कैन टेक, तो हम वहां पर ले सकते हैं स्मॉलर एंगल ही लेंगे, ना कि बहुत बड़ा एंगल लेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हमने ए कहा, और एक वेक्टर बी है, इसको हमने कहा वेक्टर बी, तो ये वेक्टर हमने अपने दूसरे लेक्चर में बताया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर में हमने बताया है कि इस वेक्टर में ये हेड होता है और ये टेल होता है। अब यहां पर ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो चुके हैं और इनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है। सो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद कुछ हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों का, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि कब दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए इट इज वेक्टर ए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है 110 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या दे दिया जाएगा, दूसरा एंगल दे दिया जाएगा 250 डिग्री। अब बताइए, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सो थीटा क्या हो जाएगा, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं। अब यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, सो देखिए थीटा हमने बताया था कि इन जब दो वेक्टर, हमने यही बताया है अपने पॉइंट में, दो वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये इसका टेल हो जाएगा और ये भी इसका टेल हो जाएगा, दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कर दिया, तो जो दो टेल के बीच में एंगल बना है और ये दो टेल के बीच में जो सबसे छोटा एंगल है, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा थीटा, और यही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट, अब हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, 240 डिग्री है। तो अब बताइए कि थीटा क्या हो जाएगा, थीटा मींस एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप लोग का आंसर है कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा,
तो आप लोग का आंसर गलत है। अब क्यों गलत है, जरा आप लोग फिर से फिगर को देखिए। ये फिगर किस फॉर्म में बना है, ये है वेक्टर बी का हेड और ये है वेक्टर ए का टेल। जब हेड और टेल ज्वाइन होंगे तब हम वेक्टर के बीच का एंगल नहीं लेंगे। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बताया है कि जब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन होगा और ज्वाइन होने के बाद उन दो वेक्टर के बीच का जो सबसे छोटा एंगल होगा वही हम कंसीडर करेंगे। सो देखिए, अब हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। जब हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो अब बताइए जरा इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री दिया गया है। अब आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम एंगल कितना बनता है दो वेक्टर के बीच में, 180 डिग्री बनता है। और यहां पर ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां पर टेल से टेल ज्वाइन हो गया और टेल से टेल ज्वाइन होने के बाद यही क्या है, यही आपका सबसे छोटा एंगल भी है। सो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करिएगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। सो थैंक यू क्लास।